हेलो दोस्तों, आज हम इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो यानी भारतीय अनुसंधान संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद हमें ये भी पता चला कि जो प्रमुख 5 वैज्ञानिक थे वो पूरे जो थे दक्षिण भारत के थे। तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दक्षिण भारत में ही क्यों है हमारे, तो इसका एक कारण ऐसा भी है कि हम देखते हैं IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस इलाके से ज़्यादा जो है तो हमें IPS और IAS ऑफिसर देखने को मिलते हैं। तो जैसा ट्रेंड है या क्या कहेंगे उसको, एक पसंद, ज़्यादा पसंद ये नौकरी जो है तो उत्तर भारत में आती है, उसी तरह से दक्षिण भारत का ट्रेंड कुछ अलग है, उनकी पसंद कुछ अलग है। उनकी पसंद जो है तो साइंस और मैथ, इसमें ज़्यादा उनका दिलचस्पी उधर के स्टूडेंट की या सभी लोगों की, और वो साइंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए भी वो उधर से जो है ज़्यादा वैज्ञानिक बनते हैं। भारत का सबसे पहला लॉन्चिंग स्टेशन दक्षिण भारत में ही, यानी आंध्र प्रदेश के तुम्बा में, दूसरा और एक दक्षिण भारत में ही श्रीहरिकोटा। उसके बाद इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो यानी भारतीय अनुसंधान संस्था का जो मुख्यालय है वो भी बेंगलुरु में है, यानी दक्षिण भारत में ही है। तीसरी बात, इसरो के लिए जहाँ वैज्ञानिक तैयार किया जाते हैं, प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी जो दक्षिण भारत में यानी बेंगलुरु में, IIST जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये भी जो है तो बेंगलुरु। चौथी बात, आशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो आशिया महाद्वीप की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी ये भी जो है तो दक्षिण भारत के बेंगलुरु में जो 2007 में निर्माण हुई। तो ये कारण तो है ही है, लेकिन वहाँ के लोगों को काफ़ी दिलचस्पी भी है, जैसे साइंस में, इंजीनियरिंग में और साइंटिस्ट बनने में भी जो है तो उनको दिलचस्पी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उस फील्ड में जो है तो जाते हैं। और हमें ज़्यादा इसरो में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत के साइंटिस्ट वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं।